स्टडी प्लान जो है वो एक सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द टाइम टेबल. ठीक है. सो एक्चुअली जो स्टडी प्लान है डिफाइंस ए मेथडोलॉजी टू प्लान टू प्रिपेयर एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो इसमें, ये एक आपको मेथडोलॉजी देता है, जबकि टाइम टेबल आपको क्या देगा कि इतने से इतने टाइम तक आपको पढ़ना है, इतने से इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है ये. लेकिन अगर आप स्टडी प्लान करते हो तो आपको प्रॉपरली एक मेथडोलॉजी मिलता है कि हाउ टू डील विद द प्लानिंग प्रिपरेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ ईच सब्जेक्ट. और ये इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट रहेगा, स्टडी प्लान सभी के लिए डिफरेंट रहेगा, टाइम टेबल सबके लिए एक हो सकता है. ठीक है. लेकिन स्टडी प्लान सबके लिए डिफरेंट होगा. तो हमेशा जब भी स्टडी प्लान आप करो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले हमारा एक गोल सेट होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है. ठीक है. गोल सेट होने के बाद आप उसको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. ठीक है. अब आपने गोल तो सेट कर दिया, लेकिन आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए आपकी कौन कौन सी प्रायोरिटी है उसको सेट करना है, और उसके बाद एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना है. और जब आप एक स्टडी प्लान बनाओगे इफेक्टिव, तो आपको कौन कौन से एनालिटिकल अप्रोच करने हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो आप देख सकते हो स्टडी प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एनालिटिकल अप्रोच. तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है जब आप एक स्टडी प्लान करोगे. फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है कि आपके पास एक दिन में कितने फ्री आवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज के साथ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो वर्किंग होंगे. तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि कॉलेज के टाइम के अलावा कितने टाइम हैं जो उनके लिए फ्री है. ठीक है. अब उस फ्री टाइम में आपको अपने स्टडी को प्लान करना है. तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द फ्री टाइम्स फॉर यू अदर देन द कॉलेज, अदर देन द वर्किंग प्रोफेशन. अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो तो जो वर्किंग टाइम है उसके अलावा आपके पास कितने फ्री टाइम बच रहे हैं. और अगर आप एक पास आउट स्टूडेंट हो तो आपके पास पूरा का टाइम फ्री है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को प्लान करोगे. सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको कोर्स मटेरियल परचेज करना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अगर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कितने सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, उसका सिलेबस क्या है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैं कौन सा रिसोर्स परचेज करने वाला हूँ, या मैं सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ तो कौन कौन से बुक्स मेरे टेबल में होने चाहिए, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. थर्ड जो है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से टोटल 6 मंथ्स बचे हुए हैं, और इस 6 मंथ्स में आपको बहुत ही एक्सीलेंट वे में अगर प्रिपेयर करना है, आप चाहते हो कि अपने सिलेबस को प्रॉपरली फिनिश कर सको इन द गिवन 6 मंथ, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम मैक्सिमम दूंगा. ठीक है. और उस ड्यूरेशन पे मैं क्या पूरा सिलेबस ख़त्म कर पा रहा हूँ, और अगर मैं पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेरे बचने वाले हैं, और उसमें से कौन सी चीज़ें को आपको पढ़ना है, मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखो, एनालाइज करो, और उसमें देखो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. आपके पास हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आराम से YouTube में अवेलेबल है. अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. तो ये वाला चीज़ सबसे पहले आपको करना है कि आपको ये देख लेना है कि कोई भी सब्जेक्ट आप एक लिमिटेड आवर से ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में सिलेबस कम्प्लीट करना है. सिलेबस पूरा कम्प्लीट करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना. अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो आउट ऑफ 8, अगर मान लो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आप 5 सब्जेक्ट थॉरली पढ़ते हो, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और एट द एंड आप उसमें सिर्फ फॉर्मूले रट के चले जाओगे, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा. रादर आप 8 सब्जेक्ट्स को पूरे पढ़ लो और कुछ टॉपिक को छोड़ दोगे, तब भी आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे कंपेयर टू द 5 सब्जेक्ट्स. अगर आप पूरे 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर
देन द फाइव सब्जेक्ट्स। तो ये वाले चीज का आपको ध्यान रखना है कि अभी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो अपने लिए एक टाइम बाउंड रखो, और अगर आप किसी कोर्स स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो तो भी आप ये देखो कि टाइमली आपका कोर्स फिनिश हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के उसको फिनिश करो, और टाइम लाइन के अंदर आपको पूरा कोर्स खत्म करना है इंक्लूडिंग द टेस्ट एंड द एस सीरीज। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.